देखिए बच्चों, कल हमने क्या बताया था, जो लोग विकलांग होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? दिव्यांग प्रयोग किया जाता है ना। तो दिव्यांग का मतलब क्या बताया था? दिव्यांग अतिरिक्त शक्ति होती है ना, वो स्पेशल होते हैं, ऐसे बच्चों को स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है ना। तो उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है आज हम आपको करवाएंगे कि किस तरीके से वो लोग इतने स्पेशल होते हैं और किस तरीके से उनमें एक दिव्य अंग होता है, अतिरिक्त अंग होता है, और कैसे हम लोगों से भी वो लोग आगे होते हैं, है ना। हम लोगों से वो लोग बहुत आगे होते हैं, ठीक है। तो रेडी है एक्टिविटी के लिए? रेडी है आप लोग? तो सब बच्चे अपने सीधे हाथ से तो सभी लोग लिख लेते हैं, है ना, लेकिन जो लोग दिव्यांग होते हैं, किसी किसी का सीधा हाथ ही टूट जाता है ना, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको अपना रास्ते का रोड़ा नहीं समझते हैं और आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं ना। तो आप ये इमेजिन करिए कि आप सीधे हाथ से नहीं, अपने उल्टे हाथ से अपना नाम लिख के दिखाएंगे, उल्टे हाथ से देखेंगे किससे लिखेंगे आप अपना नाम। सभी उल्टे हाथ से लिखेंगे, सीधे हाथ से कोई नहीं लिखेगा, हम देख रहे हैं। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिखिए, लेकिन उल्टे हाथ से लिखेंगे। देखिए कैसा लिख रहा है, देखिए क्या स्पीड वही है? नहीं है ना। क्या राइटिंग वैसी हो रही है? हाँ, बहुत चीटिंग करते हो हाँ तुम। राइटिंग वैसी हो रही क्या? देखिए क्या बात है, तुमने ट्राई नहीं किया, कर लिया? अच्छा हाँ, सीधे हाथ से लिख लिया है। अरे तुम इसी हाथ से लिखते हो तो बात ही नहीं कोई, फिर तो फिर तुम्हें सीधे हाथ से लिखना चाहिए। सीधे हाथ से लिख के दिखाओ। देखिए बेटा, तो बच्चों आपको कुछ समझ में आया? लिख गया ना। देखिए बच्चों, ऐसे ही जो बच्चे इस तरीके से स्पेशल होते हैं वो लोग अपने उल्टे हाथ से भी लिखते हैं, है ना। इसको पता है बच्चों क्या बोलते हैं? समानुभूति। एक सहानुभूति होती है। सहानुभूति क्या है? कि अगर कोई किसी को मदद की जरूरत है तो उसको आप सहानुभूति रखेंगे कि नहीं ये बेचारे इसकी चोट लग गई है या इसकी मदद करनी चाहिए। समानुभूति क्या होता है? कि उसी जगह पर आकर देखना कि हमारे अगर चोट लगी है तो कितना दर्द हो रहा है ना। देखिए बच्चों, दूसरी एक्टिविटी क्या है, आपको अपना पेन मुंह में लेना है, मुंह से पकड़िए पेन, और आपको कॉपी पर गोला बनाना है। गोला बनाइए, बनाइए गोला। जिसने जिसने बनाया हमें दिखाइएगा। ये गोला है, इसके तो कितने कोने हैं। हाँ तुम्हारा ठीक है, बना गोला। बना किसका गोला बना? ये देखिए ये गोले बने हैं। ये क्या बनाया है? ये देखिए भाई, इनका गोला तो बन गया। गोले बने हैं क्या? एक ठीक है। देखिए देखा बच्चों आपने, क्या मुंह से गोला बन पा रहा था? नहीं। आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, लेकिन आपने, आप अगर मोबाइल पर वीडियोस खोले तो आप लोग बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो बेचारे मुंह से पेंटिंग करते हैं, देखा होगा, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। इतनी आप लोग अपने हाथ से नहीं कर पाओगे जितना बेचारे मुंह से पेंटिंग करते हैं, ठीक है। उनके ना दोनों हाथ नहीं होते हैं, है ना। तो सोचिए वो लोग कितने स्पेशल होते हैं, जब हम लोग दोनों हाथ होते हुए ठीक है नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग अपने मुंह से कर लेते हैं। अभी मुंह से आपसे करने कहा गया था कि आपने आपसे गोला भी बना था? नहीं। तो है उसमें दिव्य, उनमें दिव्यांग है कि नहीं है? ना। वो लोग स्पेशल है कि नहीं है? एक एक्टिविटी और करना चाहेंगे? देखिए बच्चों, ये वाली जो एक्टिविटी है उन लोगों के लिए जो लोग नेत्रहीन होते हैं, है ना,
सोचिए कि हम लोगों के जीवन में इतने सारे रंग है, इतनी सारी चीजें हैं, एकदम से सब अंधेरा हो रहा तो कैसा लगेगा, कैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, है ना। तो यही एक्टिविटी है कि हिमांशु है, इनके पट्टी बांध दी गई है। क्या हिमांशु दिख रहा है? नहीं। तो हिमांशु क्या करेंगे, बस छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि अगर हिमांशु कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्लास में तो देखिए हिमांशु कैसे चलेंगे। जबकि बेचारा जो नेत्रहीन होते हैं वो क्या करते हैं, परमानेंट बेचारे ऐसे ही रहते हैं ना। तो हिमांशु यहाँ पे खड़े होइए और हम जब तक आपसे कहेंगे नहीं तब तक आपको चलते रहना है, ठीक है। ये हाथ हाथ का प्रयोग नहीं करना है, सीधे आप चलते रहिए। चलिए आइए, क्या हुआ हिमांशु, फिर से जाइए बैठ जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब खोल लीजिए। देखिए बच्चों, हिमांशु क्या प्रयोग कर रहे थे, हाथ प्रयोग कर रहे थे ना। तो सोचिए जो बेचारे नेत्रहीन होते होंगे वो लोग कैसे पूरा मतलब अपना काम करते होंगे, है ना। तो वो लोग कितने स्पेशल हैं कि नहीं है, उनमें दिव्यांग है कि नहीं है। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने क्या कहा है, विकलांगता की जगह पे दिव्यांगता, है ना। तो अब ये चीज आपको समझ में आई।